खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी ही, ये हम नहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। ये नरोत्तम मिश्रा का पलटवार है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। कमलनाथ के 22 जयचंदों के सेटल हो जाने को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसा है। प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल सिंह आर्य से उनके दीनदयाल नगर स्थित घर पर पहुंचकर बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि लाल सिंह आर्य नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए नरोत्तम उनसे मिलने पहुंचे हैं। लेकिन लाल सिंह आर्य ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे कतई नाराज नहीं हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कभी पार्षद बनने की नहीं सोची थी। पार्टी ने उन्हें 3-3 बार विधायक और मंत्री बनाया है। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस द्वारा भाजपा को दलित विरोधी पार्टी बताने के आरोप पर सवाल उठाया है। उन्होंने तत्कालिक विषय करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजा को राज्यसभा भेज दिया, रंक को नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को एक नहीं दो दो चुनाव हरवाए। उनसे जुड़े 5 स्थान हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, भाजपा ने बनाया। भाजपा ने हमेशा सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया है, इसीलिए हिंदुस्तान में अगर दलित विरोधी कोई दल है तो वो कांग्रेस है। नरोत्तम जी ने और हमने लंबे समय तक पार्टी में साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे लीडर है। उनका स्वभाव है पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान देना, इसलिए परिवार भाव से वो पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ आते हैं। राजनीतिक कोई बात नहीं है, पारिवारिक बात है। जहाँ तक मेरी नाराजगी का सवाल है, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है एक मजदूर का लड़का कभी सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। मैं कभी पार्षद का सपना भी नहीं देखता था, लेकिन मुझे पार्टी ने विधायक बनाया, एक बार नहीं 3 बार बनाया, मंत्री बनाया, पार्टी का महामंत्री बनाया। और इसलिए नाराजगी को राजी का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा और 2400 विधानसभा पर कमल का फूल खिले, ये हमारी तैयारी है। मैंने 5 चुनाव लड़े, एक भी बार कभी टिकट नहीं मांगा है, पार्टी ने खुद टिकट दिया है और 3 बार मैं जीता भी हूँ। मैं टिकट वाली लाइन का आदमी नहीं हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। जिस मोर्चे पर पार्टी खड़ा कर दी है वहाँ पार्टी का काम करता हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस को ये कहने की हिमाकत कैसे हो रही है, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को 2 चुनाव हरा दिए, दोनों में अंबेडकर जी को नहीं जीतने दिया, संविधान निर्माता को, दलितों के मसीहा को नहीं जीतने दिया। उनके 5 तीर्थ स्थल है, यानी कि उनसे जीवन से जुड़े हुए, एक भी स्थान को राष्ट्रीय स्मारक ने बनाया वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और तात्कालिक तो मुद्दा भी है कि दलित का बेटा फूल सिंह बरैया को राज्यसभा नहीं बनाया बल्कि राजा को बनाया। अरे रंकू को भी बना के जरा देख लेते। तो कांग्रेस को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा है, यही पढ़ाने की कोशिश की है। और दलित विरोधी अगर हिंदुस्तान में कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं लाल सिंह आर्य से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी पत्रकारों से चर्चा की। कमलनाथ के 22 जयचंदों के भाजपा में सेटल हो जाने की टिप्पणी पर बेहद सदे हुए लहजे में पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी ही, मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, मैनेजमेंट फेल हो गया, सरकार को पता ही नहीं चल पाया, उनके अपने घर में फूट पड़ गई, अपनी पार्टी और अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अब क्या कहेंगे वो। इससे पहले पूर्व मंत्री से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर उनका घर है और लाल सिंह आर्य से मुलाकात होती रहती है, ये सामान्य बात है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में अधिकारियों को पदनाम दिए जाने का मामला विचाराधीन है। ग्वालियर मेरा घर है, मैं आते ही रहता हूँ ग्वालियर, आज वो कल क्यों क्यों जोड़ देते हो। किस तरह के आज मुलाकात हुई है आपकी लाल सिंह जी से, किस तरह की? क्या मेरी लाल सिंह जी से लगातार मुलाकात होती रहती है, अभी परसों ही भोपाल में मिले थे हम। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा तो नोचेगी, मैनेजमेंट गुरु कहलाते थे, मैनेजमेंट फेल हो गया, सरकार चला नहीं पाई, उनके अपने घर में फूट हो गई, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए।
अब क्या कहेंगे इसके अलावा। भारतीय जनता पार्टी में रूठे नेताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। जिम्मा शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपा गया है। सुबह खूबी संभाल भी रहे हैं। लगातार तीसरे रविवार को नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पहुंचे और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से उनके निजी निवास पर मुलाकात की। हालांकि दोनों ही नेताओं ने रूठने मनाने जैसी बातों से पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ मना कर दिया। नरोत्तम की ग्वालियर यात्रा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शायद ये रूठने मनाने का सिलसिला अभी और जारी रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।